हेलो हेलो। हाँ, हेलो मेरी एक्सचेंज से बात हो रही है? जी जी मैं राम मूर्ति तिवारी बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी संसद सदस्य। जी जी कहाँ से तिवारी जी? मेरा पैतृक गांव है पिपरिया बंसा। पिपरिया बंसा। अच्छा ठीक है हाँ, अब ये बताइए मुझे एक्सचेंज साहब, जी। अभी किसान के पास भरने के लिए रबी की फसल का कोई ऐसा समय आया है कि किसान ने उत्पादन कर लिया, खरीद फसल का मूल भी तय कर दिया है, बिक्री हो चुकी है और फसल किसान के पास पैसा आ गया है फसल बिकने के बाद, जो तुम लोग लाइट के लिए कटवाने के लिए गांव में, अरे भाई बदनाम कर रहे हो सरकार को क्या? कंधों पे उठा लिया है बीड़ा आपने क्या? हेलो, हाँ आप कंप्लीट करिए। कंप्लीट आप कर लीजिए, हम तो अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, बताइए आप। हमसे क्या सुनना चाहते हैं आप? हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम से चयन, ऐसे गांव हैं जो ग्रामीण क्षेत्र जिनको हर घर बिजली का सरकार की एक उद्देश्य मंशा है कि गरीब गांव, हर गरीब के अंतिम, समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के घर तक उजेला पहुंचे, सरकार की मंशा है। लेकिन ऐसे पैसा ही कार्य करेंगे आप लोग? लेकिन पैसा न दिया जाए ये भी है क्या उसमें? नहीं, ये तो नहीं है क्या? हम पैसा भी है क्यों? आप मेरी बात को अन्यथा में ले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अन्यथा पैसा मत अन्यथा दिया जाए, नहीं ले मैंने ये रहे हैं, कहा आपसे? अन्यथा नहीं ले रहे हैं। जितनी नाराजगी आप बता रहे हैं, जिस सरकार का आप हवाला दे रहे हैं, उसी नहीं सरकार नहीं के सरकार नियमानुसार ही हम लोग काम कर रहे हैं। आखिर उस चलेगा कैसे सरकार के नेताजी? नियम अनुसार आप कार्य कर रहे हैं, हमें पता है कि कार्य कर रहे हैं। कैसे चलेगा नेताजी ये बताइए? मतलब हमारी नौकरी चली जाती है कि आपने रेवेन्यू इतना नहीं किया, ये चीज नहीं आई, इसको चलाने के लिए पेट भरना जरूरी है ना? हम ये कह रहे हैं आपसे, आप सरकार में बैठे अधिकारी हैं, सरकार के अधिकारी हैं, नौकर हैं सरकार के, तो आप ऐसा भी कहेंगे जैसा हमने बता दिया? आप कह रहे हैं कि आपका ये कहे, मतलब कि हम ये कहते हैं आपसे कि सरकार को पैसा ना व्यय ना करे सरकार, और जो वसूली ना जो कर रहे हैं आप लोग, अभियान चल रहा है इसका बिजली विभाग का, जी जो जी बकायादार कंज्यूमर बैठे हुए हैं जी उनका भी एक समय होता है भरने का, नहीं आपकी होता, तरह ऐसा सरकारी नहीं है, अधिकारी थोड़ी है वो। उनका कोई समय नहीं है। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आपको लग रहा है कि मैं अन्यथा ले रहा हूं, आप भी अन्यथा नहीं हेलो, लीजिए। इसी एक आदेश यही करा दीजिए कि फसल के बाद वसूली है, हम अपनी नौकरी से दगाबाजी कैसे करें? फसल बिकने के बाद हम स्वयं खुद कैंप लगवा देंगे, वो कैंप करवा के प्लीज जितने भी बकायेदार कंज्यूमर हैं। यही एक आदेश करा दीजिए डीएम से, या हमारे अधिकारियों से, या हमारी सरकार से। हम बिल्कुल, हमें भी जा करके गांव में जो चीजें, आप जैसे नाराज हो रहे हैं, ऐसे सभी लोग नाराज होते हैं। हम आपकी बात का हम बिल्कुल नाराज नहीं हो समर्थन रहे, करते हैं। मेरी बात के लिए आप अन्यथा में लीजिए। मैं आपसे अवगत करा रहा हूँ क्षेत्र की समस्याओं से, कि आप ऐसा करिए कि सरकार में बैठे जो भी आला अधिकारी हैं आप लोग, ऐसा ना करें तो सरकार आने वाले समय में सरकार के लिए एक एक वोट मांगने के लिए मोहताज हो जाए, और क्षेत्र में आए तो जनप्रतिनिधियों को खरी खोटी मिले बातें। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, वोट मांगते हैं सरकार के लिए और सरकार की। नेताजी मैं भी यही चाह रहा हूँ कि इस चीज को इंश्योर करा दीजिए कि हमें प्रेशराइज न होना पड़े कि हमें ये चीज ऐसे का हमें कह दिया जाए कि फसल के बाद, हम फसल के बाद जाएंगे। आप इतना कर कुछ दीजिए, हमारा आप सहयोग कराइए। अभी लाइट में आप इतना सुन लीजिए मेरा, हाँ आप इतना कर दीजिए कि एसडीओ ग्रामीण क्षेत्र के हैं जो, उनको ये आदेश कर दीजिए कि अभी लाइट ना काटी जाए ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की। किसान ऐसा है कि अभी तक किसान के पास ना तो पर्याप्त रूप में फसल का उत्पादन हुआ है, ना फसल बिकी हुई है, किसान कहाँ से पैसा लाएगा? सरकारी नौकर तो है नहीं है कि 80,000 का महीना मंथली, एक महीने को तनख्वाह, एक तारीख को तनख्वाह निकाल के भर देगा उसमें। किसान का तो फसल आएगी तो फसल बिकने के बाद भी किसान भर पाएगा? आप उसी बात की व्यवस्था करा दीजिए ना, हमें आदेश इस तरह का देने का पावर नहीं है। ऊर्जा मंत्री से करा देंगे हम सबसे कर, लेकिन आप इतना कर दीजिए कि जी लाइट ना काटी जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर ऊर्जा मंत्री से या हमारे अधिकारियों से आप इस तरह की व्यवस्था दे दें, बड़ा हमारे लिए भी ठीक होगा। आप हमारी 80,000 की तनख्वाह तक पहुंच गए, हम जो पैसा मांगते हैं वो उधार का पैसा होता है, एक साल दो साल। अच्छा आप बताइए, हम मानते हैं कि ठीक है, अगर सेवाएं ले रहे हैं सरकार की आम जन मानस, और जनहित के लिए, लोक कल्याण के लिए सरकार कार्य कर रही है, हमेशा प्रयास सरकार का ये है कि जनता सुखी हो, जनता में शांति हो, जनता तक, गरीबों तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ठीक है भाई हम भी मानते हैं, लेकिन ये इसके खिलाफ नहीं है हम कि आप बकायेदार कंज्यूमर है जो अपना बिल ना भरे, इसके खिलाफ कतई नहीं है हम के बिल ना भरे, बिल भरा जाएगा बाकायदा जो बकायेदार कंज्यूमर है, लेकिन अभी किस खामों का किसानों के लिए परेशान ना किया जाए बिल के, उससे भारी भर का बिल थोप कर। भारी भरकम तो नहीं जमा करने से हो जाता है ना, ब्याज लग जाते हैं,
आप हमारी अच्छा, आप मदद करिए। से आपके बिजली कर्मचारी जाते हैं गांव ग्रामीण क्षेत्र में मीटर की रीडिंग लेने के लिए मंथली समय पर, कितने ऐसे समय से बिल भेजते हैं आप लोग किसानों के लिए, गरीब किसान जो गांव खेड़े के दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्र है। जितनी व्यवस्था है उसमें 100% हम लोग देने का प्रयास करते हैं सुबह से लेकर रात तक। क्यों आप इतना वो कर रहे हैं, सच्चाई कहीं ना कहीं ना इतने सही, ना इतने सही विभाग हैं, ना इतनी सही जनता है, ना इतने सही विभाग को हम कह सकते हैं कि इतना सही विभाग, कहीं ना कहीं हमारी आपकी चूक है, हमारी भी चूक है, कहीं गलती आपकी भी कहीं, इतना विभाग कोई इतना नहीं कह सकता है कि राजा हरिश्चंद बैठे हुए हैं हर विभाग में। हरिश्चंद बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो विभाग इतना कर लीजिए, हमें पता है, इतना कर लीजिए कि अभी ग्रामीण क्षेत्र की सुन तो लीजिए आप, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप, चलिए सुनाइए, इतना कर दीजिए कि लाइट ना काटी जाए। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो कॉल मत काटना आप, मैं कॉल फ्रेंड से ले रहा हूँ। किसको लेंगे? मैं ऊर्जा मंत्री को लूंगा आपके, और किसको लेंगे, जिसके आदेश से आप पालन करेंगे, हमारी सरकार का बदनाम कर रहे हैं आप। होगी, आप ऊर्जा मंत्री से नीचे बात मत कराना, अगर आप बीजेपी के सही नेता हैं तो। ऊर्जा मंत्री से कॉल फ्रेंड से हम आपसे लेंगे, आपको आदेश कराएंगे, आप रुकिए, आप आदेश कराइए, फोन पर कराएंगे कागज पर? नहीं नहीं कागज पर होगा, फोन पर बात कराएंगे, कॉल फ्रेंड से जुड़ के कॉल, आप फोन नहीं मान पाएंगे, कागज पे करा दीजिए, बात कराइए। सुन लीजिए, मैं कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ, क्या दिक्कत आ रही है आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हाँ। नियम आदेश हमको दूसरे हैं, आपका पक्ष दूसरा है, तो कैसे उसको पालन किया जाए? हम सरकार जो नियम करेगी, नियम है सरकार के आदेश अनुसार, उसी के लिए हम लोग भी पालन करेंगे, आपको भी, आपको आदेश मिलता है, आप लोग आदेश का पालन कराते हैं, हम इसके कतई खिलाफ नहीं है, लेकिन हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप इतना ना करें कि ग्रामीण क्षेत्र में सब घरों में अंधेरा लग जाए और तुम अपने उजेले में बैठ कर आराम से किसानों की, क्यों आप एक संध्या काल छीन रहे हो, क्यों किसानों के लिए, सरकार का तो ये मंशा है सरकार की कि हर घर तक उजेला हो, हर घर बिजली योजना है, आप लेकिन क्यों आप लोग इतना वो कर रहे हैं, किसान पे दबाव एक अनावश्यक वो कर रहे हैं कि भारी भरकम थमा देते हैं, कई वर्षों का बिल, दो वर्षों का, चार वर्षों का, एक वर्ष का, अगर समय से अगर बिल आता रहे तो किसान को क्यों इतना दिक्कत नहीं होगी जितना किसान को बना हुआ है। हेलो हेलो, हाँ आपने कहा कि मेरी सुन तो लीजिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ बताइए, आप मैंने सुना। माननीय महोदय, केवल एक कागज की जरूरत है।